तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग कोई गिवन स्ट्रिंग है, उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो एक पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हमें पैलिंड्रोम चेक करने के लिए अब क्या करना होगा वो देखते हैं। तो पैलिंड्रोम बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी स्ट्रिंग को ओरिजिनल वाले स्ट्रिंग को रिवर्स करके और फिर चेक करते हैं, तो वो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग ही मिलती है हमें, तो उसे हम कहते हैं कि वो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। तो अभी के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रिंग है और पेलिंड्रोम नंबर तो होता है और पेलिंड्रोम होगा कैसे। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक स्ट्रिंग लेते हैं एसटीआर के नाम से और डबल कोट्स हम लेते हैं ए बी सी बी ए। तो अभी ये जैसे स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम इधर से रीड करें या इधर से रीड करें, मतलब स्टार्टिंग से रीड करें या फिर इसको रिवर्स करके रीड करें, तो हमें दोनों सिचुएशन में हमें ए बी सी बी ए ही मिलेगी मिलेगा, तो इसको हम पेलिंड्रोम स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को कोड में सॉल्व करने के लिए हम कौन से दो अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ मेथड्स मिलते हैं हमें, उनकी हेल्प से करेंगे तो ये थोड़ा इजी और जल्दी हो जाएगा। दूसरा हम क्या करेंगे कि लूप लूप के हेल्प से करेंगे, जिसके अंदर हम एक हर एक स्ट्रिंग में प्रेजेंट कैरेक्टर्स के पास जाएंगे और चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लूप वाला समझ लेते हैं कि वो होने कैसे वाला है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग को एक बॉक्स में बना लेता हूँ, जैसा कि हमारे पास 5 है, कुछ ऐसा बनाता हूँ। ठीक है, तो एक दो तीन, ओके। तो हमारा इसमें हो जाएगा ए, इसमें हो जाएगा बी सी डी ए। ठीक है, हम एक लूप चलाएंगे जो कहाँ तक चलेगा, इसके लेंथ इस स्ट्रिंग के लेंथ बाई 2 तक चलेगा। और हम इसमें करेंगे कि इसमें जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है करेक्टर है, इस ये करेक्टर इसके लास्ट वाले करेक्टर से मैच होना चाहिए, सेकंड फर्स्ट करेक्टर सेकंड लास्ट से मैच होना चाहिए, और ये बीच में है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये बराबर मिलता है तब तो ठीक है, तो अगर ये चेक करते टाइम ही हमें कोई ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो बराबर नहीं है, तो हम वहीं पर लूप ब्रेक कर देंगे और बाहर आ जाएंगे और ये मान लेंगे कि स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम कोड में चल के देखते हैं कि हमको हम इसको कोड में कैसे कर सकते हैं। तो मैं साइड बाई साइड आउटपुट ब्राउजर भी खोल देता हूँ ताकि हम आउटपुट भी देखते रहें। और सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, तो हमारा वेरिएबल का नाम होगा कॉन्स्ट, एसटीआर कर लेते हैं अभी के लिए। और हम सेम वही वेरिएबल बनाएंगे ए बी सी बी ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फ्लैग, इसमें फ्लैग की जरूरत पड़ेगी, तो फ्लैग बना लेते हैं, जो स्टार्ट फ्लैग बना लिया। और फिर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसके कॉन्स्ट रिवर्स, इसके अंदर हम स्ट्रिंग को रिवर्स करके रखने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस स्ट्रिंग को हम करेंगे एस टी आर डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट किससे करेंगे, सिंगल कोट से। अभी हम मैं लॉक करा देता हूँ ताकि हम देखते भी रहें कि ये मेथड्स करते क्या हैं रिवर्स। ठीक है, रिवर्स में अभी एक एरे मिला है हमें, जिसके हर एक इसमें क्या किया, इस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दिया, उसके हर एक इंडेक्स पे जा जाके ये वैल्यूज पुट कर दिया। तो हमें स्प्लिट की हेल्प से ये एक एरे में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस एरे के रिवर्स मेथड लगाएंगे, तो ये एरे रिवर्स हो जाएगी। अभी हम आउटपुट में देख नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे हमारा सारा एलिमेंट कॉमन है, अगर हम बीच में लास्ट में 1 ऐड करता हूँ तो वो रिवर्स होकर फर्स्ट में ऐड हो जाएगा, तो रिवर्स ऐसे काम करेगा। और वापस से जब रिवर्स हो गया ये स्ट्रिंग, हम लगाएंगे डॉट और फिर ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करने से भी वापस से एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारा जो एरे है रिवर्स एरे वापस से ज्वाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इस लॉग के अंदर चेक कर लेंगे कि रिवर्स इक्वल टू हमारे ओरिजिनल एस टी आर के अगर है, अगर ये ट्रू देता है तो इसका मतलब कि हमारा जो एरे है, मतलब जो स्ट्रिंग था वो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग थी, अदरवाइज वो नहीं थी। जैसा कि अभी हम ए बी सी डी ए है, तो ये एक तो पैलिंड्रोम है, बट अगर हम इसके लास्ट में 1 ऐड कर दें तो ये नहीं है, तो ये हमें फॉल्स मिलेगा, हमें इस फ्लैग की भी जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट लॉग ही करा दिया। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा हम फॉर लूप यूज करके करते हैं सॉल्व, तो वो देख लेते हैं वो कैसे होगा। तो सेकंड अप्रोच की तरफ चलते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से होगा एक फ्लैग, तो हम बनाते हैं जैसे फ्लैग
फ्लैग और ये फ्लैग स्टार्ट में हम कर देंगे ट्रू, ठीक है। और इसमें हम एक लूप चलाते हैं फॉर, और ये आई तक चलेगा, आई से चलेगा और ये str डॉट लेंथ तक जाएगा, और ये पूरा लेंथ तक न जाके हम डिवाइड बाई टू करके करते हैं कि लेंथ बाई टू तक ही चलाना है। और उसके बाद इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे कि इफ अगर str डॉट कैर है उसके इंडेक्स i के जो है वो अगर बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल्स टू str डॉट कैर एट। अब लास्ट में हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट, ये तो फर्स्ट स्टार्टिंग से सेकंड, सेकंड स्टार्ट या जो स्टार्टिंग से कैरेक्टर थे वो चेक कर पाएगा, लेकिन लास्ट से चेक करने पे क्या करेंगे कि पूरी लेंथ में से आई को माइनस कर देंगे तो वो उसके करेस्पॉन्डिंग वाले इंडेक्स पे चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे जी str डॉट लेंथ माइनस, और इसमें कर देंगे माइनस वन, फिर माइनस करेंगे आई, ठीक है। माइनस वन इसलिए क्योंकि str की लेंथ जो होती है वो इंडेक्सेस जो होते हैं वो जीरो जीरो से स्टार्ट होते हैं, इसके लिए माइनस वन करना पड़ा। फिर अगर ये मैच नहीं होता, कभी भी ऐसा होता है कि वो मैच नहीं हुआ, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हम क्या करेंगे फ्लैग को फॉल्स कर देंगे, फ्लैग को पॉज करके और लूप को ब्रेक कर देंगे वहीं पे, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि फ्लैग में अगर लॉक कराते हैं कि लॉक अगर फ्लैग फ्लैग अगर ट्रू है तो इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो एक पेनड्रोम नंबर है, अदरवाइज वो नहीं पेनड्रोम नंबर नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे आउटपुट में फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब ये जो गिवन पेनड्रोम नंबर है ये गिवन स्ट्रिंग है, मैं सॉरी बार बार नंबर बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग जो है ये पेनड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। हम क्या करेंगे क्लासेस को रिमूव करेंगे, हमें बस वन रिमूव करना है, वन के बाद ये रिमूव करने के बाद ये पेनड्रोम स्ट्रिंग हो जाएगी और ये ट्रूथ रिटर्न कर देगा। हम पेनड्रोम स्ट्रिंग इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि वहाँ एक बार और अगर सी दे देते हैं तो भी ये एक और दोनों साइड से रीड करने पर सेम जैसा ही होगा, तो अभी भी ये स्ट्रिंग है पेनड्रोम स्ट्रिंग में, बीच में अगर वन ऐड करते हैं तो भी वो स्ट्रिंग रहेगी, बट अगर टू ऐड कर देते तो वो फॉल्स हो जाएगी, जैसा कि हम आउटपुट में देख सकते हैं ये फॉल्स हो चुकी है, ठीक है। इन दोनों तरीकों से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कोई गिवन स्ट्रिंग एक पेनड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।